नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिला सामान्य अस्पताल में मनाया गया विश्व कैंसर दिवस, लोगों को किया गया जागरूक। सेक्टर 13 व 23 में ग्रीन बेल्ट व पार्कों की हालत सुधरेगी, 80 लाख रुपए होंगे खर्च। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में किया गया फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन। उत्तमीबाई स्कूल में कुष्ठ रोग निवारण को लेकर किया गया एक सेमिनार का आयोजन। उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सामान्य अस्पताल में किया गया। कैंसर दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को कैंसर रोग के बारे में विस्तृत जानकारी देकर बचाव के लिए जागरूक किया गया। आज 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी जिले के सामान्य अस्पताल में लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अस्पताल परिसर में उपस्थित लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से बचने के इलाज भी बताए गए, ताकि वे अपने आप को इस खतरनाक बीमारी से बचा सकें। वहीं इस अवसर पर स्टाफ द्वारा नवनियुक्त CMO जितेंद्र कादियान का भी फूल भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं CMO जितेंद्र कादियान ने बताया कि कैंसर नामक बीमारी काफी घातक बीमारी है। यह बीमारी नशे की वस्तुएं प्रयोग करने जैसे गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट तथा शराब अत्यधिक प्रयोग से होती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को इस बीमारी के प्रति सचेत व जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा समय समय पर जागरूक रैली व अभियान भी चलाए जाते हैं। तो बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उसकी कॉस्ट ट्रीटमेंट और काफी कॉस्टली पड़ता है, तो स्पेशली हमें पब्लिक को ये सेंसिटाइज करना है का है कि भाई हमारी जो फीमेल हैं जिनको जनन अंगों का है, जिसको सर्वेक्स बोलते हैं, या ब्रेस्ट का है, या मेल को जो तम्बाकू से, उससे प्रिवेंशन जितना कर सकें वो ज़्यादा बेटर है। बाद में कॉस्ट और वो सारा कॉस्टली हो जाता है। ये हर जगह पे है, एवरी हेल्थ फैसिलिटी पे सब पे कर रहे हैं। वैसे तो पब्लिक के लिए भी अभी जैसे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है आयुष्मान भारत के जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी काफ़ी अच्छा, जो पुअर हैं जिनके गोल्डन कार्ड बने हुए हैं वो भी जो हमारे ऑथोराइज हॉस्पिटल्स हैं उसमें अपना इलाज करा सकते हैं। अगर किसी मरीज को है भी तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है उसका, क्योंकि इसकी सर्जरी अगर वैसे आप प्राइवेट में कराते हो तो महंगी पड़ती है। तो हमारा ये अनुरोध है जो बेनिफिशरी है, अगर किसी की फैमिली में ऐसा सस्पेक्टेड है तो उसका अपना सारा अपना वो कार्ड बनवा ले, और जो हमारे ऑथोराइज हॉस्पिटल हैं वो गवर्नमेंट के भी और उसमें सारे प्राइवेट कवर भी हैं, तो उसमें भी उसका लाभ मिलेगा ट्रीटमेंट के लिए। वैसे हमारा बेसिकली है प्रिवेंशन जितना हो जाए, रोकथाम जो पहले से ही उनको बता दें भाई इन चीज़ों का ध्यान करें तो रोक सकते हैं। 16 per lakh के हिसाब से है एवरेज। भिवानी में कितने ऐसे मरीज हैं? ये है, अपील ये है प्रिवेंशन से, एक तो सेंसिटाइज करना है जो हमारी माताएं बहनें हैं, लड़कियों को भी आजकल एक इंजेक्शन लगता है ठीक, उससे जिससे सर्वेक्स के उसके कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर उनको ब्रेस्ट का है तो उसकी स्क्रीनिंग करवा लें हॉस्पिटल में आके। मेल हैं उनको जैसे स्मोकिंग वगैरह ना करें, ताकि उनको ओरल कैविटी का रिस्क है कैंसर का। सेक्टर 13 व 23 में क्षतिग्रस्त पड़ी ग्रीन बेल्ट व पार्कों की हालत अब जल्द सुधरने के आसार दिखने लगे हैं। इसी के पुनर्निर्माण कार्य के लिए बुधवार को टेंडर खोला जाएगा और आगामी 20 फरवरी के आसपास निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना भी जताई गई है। भिवानी नगर परिषद द्वारा सेक्टर 13 व 23 में क्षतिग्रस्त पड़ी ग्रीन बेल्ट व पार्कों को लगभग 80 लाख की लागत से सुधारा जा रहा है, जिसके चलते 4000 से भी ज्यादा लोगों को सीधे रूप से लाभ मिलेगा तथा साथ साथ दोनों सेक्टरों की सुंदरता भी बढ़ेगी। पिछले लगभग 2 साल से सेक्टर 13 व 23 खस्ता हालत में है, जिससे वहां के लोगों को यहां घूमने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष पार्क के बीचों बीच सीवर लाइन निकाली गई, जिसके चलते पूरे पार्क की पगडंडी को तोड़ दिया गया, जिससे पार्क की हालत और भी दयनीय हो गई थी। आपको बता दें कि दोनों सेक्टरों में ग्रीन बेल्ट व सेक्टर 23 में ग्रीन बेल्ट पार्क में जमीन की लेवलिंग की जाएगी, गड्ढों को भरा जाएगा, मिट्टी की लेवलिंग कर घास लगाई जाएगी व फिल लेवलिंग कर उसमें पौधारोपण भी किया जाएगा। वहीं इस पुनर्निर्माण के कार्य को 20 फरवरी के बाद शुरू कर दिया जाएगा। यह कहना था नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव का।
शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी हमने टेंडर किया उसका कल के डेट में, और अब हम उसको टेंडर किया है लगभग 80 लाख की लागत से। इसमें कुछ लाइटें भी हैं भगत सिंह चौक से और BPS स्कूल तक तो लाइटों का कार्य है, कुछ जो पार्कों का सौंदर्यीकरण है और कुछ हमारी ग्रीन बेल्ट टूटी हुई हैं जो 13 और 23 में, जिनको जल्द से जल्द बढ़िया कार्य किया जाएगा और उनको मेंटेन करके RWO को हैंड ओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। सी अनाउंसमेंट में प्रॉब्लम थी, उन झोड़ों का सौंदर्यीकरण का कार्य था और वो कार्य सुचारू रूप से चलने लग रहा है, लेकिन उसमें अभी बजट ना आने की वजह से सी अनाउंसमेंट का कुछ बजट हमारा ड्यू है जो लगभग 10 करोड़ की राशि है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपये हमारे पास आ चुके हैं और काम लगभग हमारा 8 से 9 करोड़ के बीच में हो गया, थोड़ा काम बचा, जैसे बजट आ जाएगा उसका भी जल्दी से जल्दी कार्य करने का काम करेंगे। मंगलवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में फिल्म अप्रिसिएशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। चित्र भारती महोत्सव के तहत आयोजित इस वर्कशॉप में फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों ने उपस्थित लोगों को फिल्मों संबंधी करियर बनाने के लिए विस्तृत जानकारी दी। मंगलवार को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में चित्र भारती फिल्मोत्सव 2020 के तहत फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक थिएटर व सिनेमा के हरियाणवी कलाकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं हरियाणवी कलाकार हरिओम कौशिक ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में सिनेमा को बढ़ावा देना तथा युवाओं को सिनेमा के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में युवाओं को सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन करने तथा किस प्रकार की भूमिका व किरदार को निभाकर वे आगे आ सकते हैं इस बारे में बताया गया। वहीं उन्होंने हरियाणा सिनेमा में भविष्य में आने वाले करियर ऑप्शन के बारे में भी युवाओं को बताया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ जिले भर के अनेक विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। यूनिवर्सिटी में आज ये कार्यक्रम है और चित्रवाद जो फिल्म फेस्टिवल है उसके सौजन्य से यह कार्यक्रम हो रखा है, और इसका जो मेन मोटिव है वो है हरियाणा में सिनेमा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो यूथ है वो सिनेमा कैसे बनाए, क्योंकि सीधी सी बात है देखो यूथ अगर कुछ क्रिएटिव काम करेगा, कुछ लिखेगा, सिनेमा बनाएगा तो उससे समाज को एक दिशा मिलेगी। हमारा जो पहले सिनेमा जो चलता आ रहा है, जो TV चल रहा है आजकल जो घरों में, उससे कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, जिससे समाज में थोड़ा सा दूसरी दिशा में चल रहा है। तो इस दौर में एक यूथ की क्या भूमिका हो सकती है, वो क्या कर सकता है सिनेमा जब समाज के लिए, सिनेमा के लिए, तो उसी को देखते हुए हम ये आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं यूथ को मोटिवेट करने के लिए। देखिए हरियाणा में आने वाले समय में सिनेमा अच्छा हो, हरियाणवी संस्कृति अच्छी हो और हरियाणवी भाषा का भी, क्योंकि आज बॉलीवुड में बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार काफ़ी प्रयत्न कर रही है। हरियाणा फिल्म सोसाइटी बनाई गई है और हरियाणा के लिए एक समिति बनाई गई जिसके हम मेंबर हैं, उसी के तहत हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वर्कशॉप कर रहे हैं ताकि हमारे जो युवा हैं जो इस फील्ड में रुचि रखते हैं फिल्मों में, थिएटर में, ताकि उनको हम एक मंच दे सके, उनके बनी हुई फिल्में आगे पहुँच सके। और निस्संदेह सरकार के प्रयासों के कारण और सभी कलाकारों के प्रयासों के कारण आने वाला समय हरियाणवी सिनेमा के लिए बहुत अच्छा होने वाला। भिवानी विश्वविद्यालय चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में एक कार्य सलाह लगी हुई है, इसमें बताया फिल्मों के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे पहला दौर था और आज की फिल्मों में कितना फ़र्क है, क्या क्या अंतर है, कि पहले ब्लैक एंड वाइट होती थी पहले, अब ये और एक चीज़ बारीकी से बताई जा रही है, अब ये इस लाइन में जिसको जाना है उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध है। पहले से सुधार आया है सिनेमा में, हरियाणा सिनेमा में भी अब भी मतलब हर दूसरी तीसरी बॉलीवुड की मूवी हरियाणा पर बन रही है, मतलब आपको ये तो हर चीज़ में होता है कि जो भी काम करो उसमें मेहनत लगती है। कुष्ठ रोग निवारण विषय पर सेमिनार का आयोजन उत्मीबाई आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। जिला सामान्य अस्पताल से आई डॉक्टर्स की टीम ने छात्राओं को इस रोग के लक्षण और बचाव के तरीकों की जानकारी दी। वहीं स्कूली छात्राओं ने भी इससे संबंधित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। मंगलवार को श्रीमती उत्मीबाई आर्य कन्या स्कूल में कुष्ठ रोग निवारण को लेकर एक सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन सिविल हॉस्पिटल से आई डॉक्टर्स की टीम डॉक्टर राजेश पंघाल व सरोज देवी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन पर एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस प्रस्तुति के माध्यम से छात्राओं ने बताया कि यह रोग जानलेवा नहीं है, यदि इसका इलाज प्रारंभिक अवस्था में करवा लिया जाए तो यह थोड़े समय में ही ठीक हो सकता है। वहीं इन्होंने इसे बचने के लिए कुछ सावधानियां जैसे आग के बहुत पास न बैठना, आंखों की सफाई करना, नंगे पाँव न चलना आदि के बारे में भी बताया। वहीं राजेश पंघाल ने छात्राओं को स्वस्थ रहने के कुछ टिप्स भी दिए।
इसी के साथ कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय की प्राचार्य सीमता भटनागर ने विद्यालय में पहुंची चिकित्सकों की टीम को धन्यवाद किया व सभी लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना की। ये तो बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी होती है, अपने बच्चे अपने पति को दूर रखा घरों से। क्या बच्चे को नहीं मानते, पति भी नहीं मानता मेरी। मैं तेरे को आइडिया देती हूँ कि सास का ना यहाँ पे कुछ बस्ती बनी हुई है ना, वहाँ पे भेजते हैं। वहाँ पे ना उनका समाज भी अलग होता है, समाज का ना वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, उन्हें कपड़े बर्तन सब कुछ अलग होते हैं, सास को वहीं पे भेजते। ठीक है यार, कहते हैं ना वो भीख मांगते, लेकिन अब सरकार ने ऐसी सुविधाएं दे दी उनको कि ना भी अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं और उनको हर महीने पेंशन मिलती है। अच्छा यार, तो तूने बहुत अच्छी बात बताई मेरे को। हाँ तो शाम को पति आएंगे ना, उनसे बात कर लियो फिर तू। हाँ यार, शाम को पति आएंगे उनसे बात कर, चल मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। अच्छा ठीक है, पता चल गया ना कैसे रहते हो। भारत में कोढ़ भी कहा जाता है और यह कोई संक्रामक या वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है ऐसी कोई भी बीमारी नहीं। दरअसल यह एक रोगाणु जिसे हम जीवाणु भी कहते हैं उसके द्वारा फैलाई गई बीमारी है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। अभियान चल रहा है सर, ये महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, 23 जनवरी से शुरू हुआ था, 13 फरवरी तक चलेगा, 15 दिन का हमारा पखवाड़ा होता है। इसमें हर साल हम जो भी माइग्रेंट लेबर है, हमारे भट्ठे हैं जो बाहर से झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वो सारी कवर करते हैं। और अब की बार हरियाणा सरकार ने 5 स्कूलों में बजट भेजा हमारे पास कि बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जाए, इसके साइन ऑफ सिम्टम बताया जाए। तो लघु नाटिकाओं के माध्यम से हमने 5 स्कूल सेलेक्ट किए हैं, तो ये पहला स्कूल है। मैडम का हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम करवाया है। बच्चों का प्रोग्राम देखा, काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बच्चों ने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की है ताकि ऐसे इसे दिखाया जाए कि डिस्क्रिमिनेशन न हो जो भी कुछ लोग से ग्रसित है। तो बच्चों ने बड़ा स्टेक एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। यहाँ पे देते हैं कि सावधानी बरते हैं, प्राइमरी स्टेज पे इसका पता लग जाता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट है इसका। भिवाड़ी जिले में 6 लोगों का इलाज हमारे पास चल रहा है। तो जो बाहर से लेबर आती है मोस्टली उसमें पाया जाता है ये, और हम इसका फिर पूर्ण इलाज करवाते हैं। इनके लिए हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की या WHO से हमारे पास बजट आता है। इनको मालिश करने के लिए नीम का तेल आता है, स्पेशल इनके जूते बनवाए जाते हैं। मेडिकल टीम ने कुष्ठ रोग के संबंध में जागरूकता अभियान से संबंधित कार्यक्रम करवाया है और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। बच्चों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं कि कुष्ठ रोगियों को बड़ी ही घिन की दृष्टि से देखते हैं, बड़ा ही उनको तिरस्कार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बीमारी भी उसका भी इलाज हो सकता है और हमारी सरकार जो है इस दिशा में प्रयासरत है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बजट भी सरकार ने जारी किया हुआ है और उसी के द्वारा ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे बच्चों को भी हमने इसके बारे में बताया था और उनमें भी बहुत रुचि लेकर उन्होंने अपना ये लघु नाटिका तैयार की है और विद्यालय के सभी बच्चों को संदेश दिया है कि कुछ रोगियों से घृणा न करें, उनकी सहायता करें और उनका उपचार करने में मदद करें। सफाई कर्मचारियों को एक सप्ताह के अंदर शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश जिला उपायुक्त ने दिए। मंगलवार को अपने कार्यालय में नगर परिषद अधिकारियों के साथ नगर परिषद द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश जिला उपायुक्त ने दिए। उपायुक्त मंगलवार को अपने कार्यालय में नगर परिषद अधिकारियों के साथ शहर की सफाई व्यवस्था व नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर परिषद के पास 140 नियमित सफाई कर्मचारी और 157 सफाई कर्मचारी हैं। इनमें 13 दरोगा हैं और 2 सफाई निरीक्षक हैं जो नियमित रूप से सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। वहीं उपायुक्त ने बैठक के दौरान निर्देश देते हुए कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था की हालत चरमराई हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्कुलर रोड व शहर के अन्य मुख्य स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हैं। इस पर नगर परिषद अधिकारियों ने एक सप्ताह के अंदर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा तथा उपायुक्त ने एक सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि शहर में इस अवधि के दौरान सफाई व्यवस्था नजर आनी चाहिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला सामान्य अस्पताल में मनाया गया विश्व कैंसर दिवस, लोगों को किया गया जागरूक। सेक्टर 13 व 23 में ग्रीन बेल्ट व पार्कों की हालत सुधरेगी, 80 लाख रुपए होंगे खर्च। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में किया गया फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन।
उत्मीबाई स्कूल में कुष्ठ रोग निवारण को लेकर किया गया एक सेमिनार का आयोजन। उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी निर्देश। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।